हेलो गाइस, जय श्री श्याम आप सबको, जय माता दी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। सो मैं अभी नहा के और बनाने लगी थी प्रसाद। तो प्रसाद बनाने के लिए मैंने देसी घी जो नया मंगाया था वो डब्बे में रखा हुआ था, तो मैंने किसी में बना लेती हूँ। आटे का हलवा बनाने लगी थी मैं, मुझसे ना आज परफेक्ट बना नहीं, पता नहीं क्यों। मेरे को ये नहीं कि मुझे आता नहीं है, इस कढ़ाई में अच्छे से बना नहीं है ना। जो कास्ट आयरन वाली कढ़ाई थी तो मैंने ये निकाल ली। मैंने कहा चलो ये साफ़ है, इसमें ना मतलब दूसरी आप देख रहे हो मेरे साथ वाली पड़ी है वो पूरी ख़राब हो चुकी है, क्योंकि वो बहुत पुरानी कढ़ाई है। पूड़ियाँ पाड़ियाँ तलते हैं तो ख़राब हो जाती है, तो ये देखिए मैंने ये निकाली थी नई। बट इसमें पता नहीं हलवा कैसा बना, अलग सा ही कुछ बना। मतलब इसका जो टेस्ट है ना कास्ट आयरन का, लोहे से का टेस्ट आ गया उसमें। तो फिर भी मैंने भोग लगवा के जब मैंने खुद खाया, मैंने कहा आए मेरे बाबा जी और माता रानी कैसे एक्सेप्ट करेंगे इस प्रसाद को। तो फिर मैंने कहा वो तो भाव ही देखते हैं, उनको कौन सा किसी चीज़ की कमी है, वो तो स्वाद भी बदल सकते हैं, हर चीज़ बदल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट सोच रही थी हलवा बना दूँ, क्योंकि सब मुझे कमेंट आए थे कि आपने कुछ मीठा नहीं बनाया। तो मैंने बनाना था, मुझे कढ़ाई नहीं, कोई बर्तन नहीं मिल रहा था कि मैं मीठा किस में बनाऊँ, है ना। तो फिर मैंने इसलिए इसको निकाला, इसमें बनाई, इसमें मैंने कहा चलो बना अच्छे से बन जाएगा, पर बना नहीं। मैं कोशिश करती हूँ कि दिन में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाऊँ, लेकिन मेरे से नहीं बन पाती हैं। कल मैं फ्री थी, कल मैं उस घर में थी तो मैं सोई नहीं। मैंने कहा नहीं, सो गई तो सो ही रह जाऊँगी, सारा दिन सो के निकल जाएगा। तो मैंने कहा सोना नहीं है, कोई बात नहीं, थकावट है, धीरे धीरे उतर जाएगी थकावट, लेकिन काम ज़रूरी है करना। तो इसलिए अभी भी मैं पंखा बंद करके वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि पंखे की हवा की आवाज़ बहुत कैच करता है मेरा फ़ोन, है ना। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ मैं ना दरवाज़े का हल करती फिर रही हूँ कि दरवाज़ा मिल जाए। मेरा ना बजट सच में नहीं है, मेरी तो सैलरी भी पूरी आनी है, है ना। 25,000 बना है, कट के 23,000 आएगी सैलरी, और 23,000 में तो सारा मेरी इंस्टॉलमेंट्स ही जाएंगी, इंस्टॉलमेंट जाएंगी। अब चलो रेंट है जो वो बच जाएगा, लेकिन जो मैंने ब्याज पे पैसे पकड़े हैं 500 रुपया, तो उसकी किस्त है वो देनी है मैंने, है ना। तो मतलब एक तरीके से मतलब क्या बोलूँ मैं, जब तक मेरी रजिस्ट्री में छुड़ाती तब तक तो सब लोग बोल रहे हैं कि बेच दो प्लॉट। अरे प्लॉट पे ही तो मैंने ब्याज पे पैसे पकड़े हैं, जो मेरे कम रह रहे थे पैसे कम पड़ रहे थे, तो मैंने प्लॉट की रजिस्ट्री रख के तो ब्याज पे पैसे पकड़े हैं। तो आप बताओ प्लॉट कैसे, बिना रजिस्ट्री के प्लॉट कैसे बेचूँ? पहले मुझे रजिस्ट्री छुड़वानी है। तो आप लोग प्लीज़ मेरी मदद करो, सब लोग मुझे सपोर्ट करो, ताकि मैं रजिस्ट्री जल्दी से जल्दी छुड़वा पाऊँ। जब रजिस्ट्री छुड़वा लूँगी तो चलो प्लॉट बेच दूँ, नहीं तो ना क्या पता, मेरा कोई पता भी नहीं है कि मैं उस प्लॉट पे ही घर बनाना शुरू कर दूं, है ना। ये वाला वो करके मतलब जब वो रजिस्ट्री छुड़वा लूँगी उस पर लोन करवा के ना, तो उस पर घर बनाना शुरू कर दूं। मेरा कोई पता नहीं मेरी मतलब मेरे दिमाग का कि कैसे क्या मैं कर लूं। अभी तक तो फ़िलहाल यही घर है, तो इसी को ही मैं सोच रही हूँ रेनोवेट करवाने का। बाकी आगे भगवान जी जाने, मेरे श्याम बाबा जाने, कि उन्होंने मुझे यही घर में रहने देना है या वो वाला प्लॉट वाला घर बनवाना है, ठीक है। क्योंकि उनको पता था कि ये प्लॉट बेचेगी तो प्लॉट ना बेच पाऊँ, इसलिए मेरा उन्होंने पता नहीं क्या से क्या सिस्टम बना दिया। तो देखिए ये वाले सोफे हैं ना, ये अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यार यही सोफे सही जच रहे थे, मैंने ऐवें वो वाले सोफे लगवा लिए और वो बिल्कुल भी रूम में जच नहीं रहे हैं। ये तो फिर भी थोड़ा बहुत जच रहे थे, वो तो जमा ही नहीं जच रहे। आगे देखना वीडियो में मैंने चेंज कर दिए हैं, अभी बाहर वाला जो सोफ़ा है वो उठा के रखने गए हैं। और अब देखना, अब मैं अंदर आऊँगी तो अंदर वाला ये सोफ़े भी उठा के मैं रेड़े पे रखूँगी और वो वाले उतरवाऊँगी। ये जब घर छोड़ के आएंगे तो वो वाले मम्मी वाले घर के उठा के लेके आएंगे। तो इसी व्लॉग में आपको मैं दिखाऊंगी कि वो सोफ़ा कैसा लग रहा है और ये सोफ़ा कैसा लग रहा है। मतलब समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या हो गया, बस मुझे ये लगा था कि वो वाले जच जाएंगे, लेकिन वो भी जचे नहीं है। रूम की सेटिंग ही पता नहीं कैसी बनाई हुई है, कोई सोफ़े जच ही नहीं रहे, बिल्कुल हल्के से जो सोफ़े थे ना, जैसे मेरे पास पहले पीटर सेट था वो ही जचेगा इस पर, बड़े बड़े सोफ़े ये नहीं जचेंगे, वो भी बड़े बड़े हैं, ये भी इतना बड़ा सोफ़ा है, तो बहुत मुश्किल है। तो देखिए चाचा जी फटाफट उठवा रहे थे सामान, मेरी बहुत हेल्प करवाई है इन्होंने, इन्होंने इनकी बेटियों ने मतलब तो सब ने मिल के मेरी बहुत हेल्प की है। अभी जो सो गाइस सोफ़ा जा चुका है, नीचे से गिलास निकला सोफे के, और इतनी मिट्टी मिट्टी हो रखी है सोफे के नीचे, गिलास भी रखे पर मैं ढूंढी जा रही हूँ गिलास का, इन्होंने इकट्ठे करके फेंक रखे हैं, पता नहीं किसके काम है ये। और अभी दूसरा सोफ़ा आएगा उसको सेट करेंगे, उसके बाद दरवाज़ा देखने जाना है।
तो अभी आ रहे हैं चाचा जी, तो दरवाजे देखने भी जाएंगे। तो प्रसाद बनाया, उसके बाद प्रसाद थोड़ा सा ठंडा हो गया तो फिर मैंने भोग लगवाया, क्योंकि गरम गरम भोग नहीं लगवाते तो इसलिए बाबा जी को और माता रानी को मैंने प्रसाद का भोग लगवाया। जोत जगाई शाम का वक्त था, जोत जगाई और भोग लगवाया, क्योंकि किसी ने कमेंट किया था तो मैंने कहा कि हाँ मुझे मीठा बनाना चाहिए, तो मैंने कहा नेक्स्ट वीडियो में मैं मीठा बना के भोग लगवाऊँगी, है ना। और अभी ना मैं आपको मैं बता नहीं सकती हूँ कि इस टाइम ना मैं कितनी भाग दौड़ चल रही है ज़िंदगी में, क्योंकि ना तो दरवाजे का हल हो पा रहा है, ना फर्नीचर सेट हो पा रहा है, मेरा पता नहीं दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। जब मतलब बेड, अगर बेड दूसरी तरफ घुमाती हूँ, बीच सेंटर में करती हूँ बेड को रूम के, तो सोफे बिल्कुल भी नहीं आने, सिर्फ अलमारी ड्रेसिंग टेबल आएगी। तो सोफे बाहर निकालती हूँ तो बाहर भी सेट नहीं आ रहे। अब एक सोफ़ा अंदर रखना पड़ेगा, एक सोफ़ा बाहर रखना पड़ेगा, तब जाके सेट आएगा। तो अब आप ही बताओ कि मैं मतलब किस हिसाब से सेटिंग करूँ। अगर बेड को सेंटर में करके एक तरफ ड्रेसिंग टेबल लगाती हूँ तो रास्ते में दरवाजे में आ रहे हैं, दरवाजे के में रास्ता कम पड़ रहा है। तो देखो ये सोफे आ गए थे, इस पे ना ये ऑयल का दाग लगा हुआ है, ये छूटता नहीं है, ड्राई क्लीनिंग भी करवा लिया तब भी ये छूटा नहीं है निशान सा, पता नहीं क्यों ऐसा है। जहाँ जब हमने लिए थे, सेकंड हैंड लिए थे, उन्होंने बोला था कि छूट जाएगा, ये ड्राई क्लीनिंग करवा लेना, ड्राई क्लीनिंग करवा के भी ये छूटा नहीं है। तो किसी के पास कोई सोल्यूशन हो तो बताना इस दाग को कैसे छुटाया जाए। अभी हम आए थे देखिए दरवाज़ा देखने के लिए, यहाँ पर पुराने दरवाजे हैं जो वो मिलते हैं, तो हमने सारे दरवाजे देखे, लेकिन इनका जो दरवाज़ा है ऐसा रखा हुआ है कि कोई दरवाज़ा ही नहीं पूरा आ रहा, सब सारे दरवाजे छोटे पड़ रहे हैं। वो इतना बड़ा रखा हुआ है 7.5 फुट का, सॉरी 7.25 फुट, सॉरी कितने फुट का है, मतलब 7.25 फुट तक के दरवाजे मिल रहे थे, क्योंकि पल्ले भी लगते हैं उसमें, तो वो थोड़ा सा ऊंचा चाहिए होता है ताकि खुलने में प्रॉब्लम ना हो, बंद होने में और खुलने में दरवाजे की प्रॉब्लम ना हो। वो दरवाज़ा बहुत ही ज़्यादा बड़ा रखा हुआ है, पता नहीं क्या कैसे बनवाया हुआ है, मुझे तो समझ नहीं आती, कोई साइज़ ही नहीं है। कितने दरवाजे देख ले आप, देखो यहाँ पे इतना बड़ा स्टोर है, इतने सारे दरवाजे थे लेकिन कोई दरवाज़ा ही नहीं मिल रहा था। हार के फिर हमें, आप यकीन करोगे मुझे, पुराना दरवाज़ा बिल्कुल दो पल्ले वाला, जैसे पुराना दरवाज़ा होता है ना, मतलब जिसको रिपेयर करना पड़े, ऐसा दरवाज़ा मुझे लेना पड़ा, क्योंकि और कोई साइज़ ही अवेलेबल नहीं था। एक नहीं, 3-4 दरवाजे मैं दुकानों पे देखा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने शीट ली थी, एसी वाली जो शीट होती है ना, वो मैंने यहाँ से ली थी शीट, ट्रांसपेरेंट शीट होती है कूलिंग के लिए। उसके बाद हम देखे अपने घर आए, यहाँ पे दरवाज़ों का नाप ले रहे थे कि क्या है, कि इनसे ना ठीक करवा लेंगे, क्योंकि दरवाज़े बिल्कुल भी मतलब टूटा हुआ था ना, तो उसी हिसाब से पल्ले पुल्ले लगा के सेट होएगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि मुझे 1500 रुपये में पुराना दरवाज़ा मिल गया, कि चलो काम चलाने के लिए अभी सही है, फिलहाल पेंट पुंट हो जाएगा तो बिल्कुल ही पता लगेगा। वो आपको पूरा प्रॉपर व्लॉग बना के मैं दिखाऊंगी कि पेंट पुंट होने के बाद दरवाज़ा कैसे बनेगा, और अगर आपके पास पुराने से पुराना दरवाज़ा उसको भी आप रेनोवेट कैसे कर सकते हो। क्योंकि देखिए अभी मेरे सच्ची में मेरे पास, अब अगर मैं मान लो इस घर को रेनोवेशन कराने में पैसा लगा दूँगी तो मैं लोन कैसे उतारूँगी, आप मुझे ये चीज़ बताओ, है ना। लोग मुझे कैसे कैसे कमेंट कर रहे थे कि तो इस घर को ये करवाती नहीं है, वो नहीं करवा सकती, तो पुराना दरवाज़ा ढूंढ रही है, नया नहीं लगवा सकती। अब बताओ मैं नया दरवाज़ा तो लगवा लूँ, लेकिन बाद में जब मैं घर का लोन उतारूँगी, मैं यहाँ पे मैं इतना रेनोवेशन करवा लूँ, इतना पैसा लगा दूँ, बाद में खाली लोन ना दे पाऊँ तो अगले खाली करवा ले, अगले ताला लगा दे मेरे घर को, तो मेरा तो पैसा गया बर्बाद ना। तो मुझे सबसे पहले लोन उतारना है, उसके बाद घर की जो रिपेयर है वो करवाना है, दरवाज़ा वगैरह लगवाना है घर में, बस पुराना ही लगवाऊँगी उसको रेनोवेट करवा के। तो अभी मैं मिस्त्री भैया, मिस्त्री अंकल है जो, उनको लेके आई थी अंकल जी को, तो एक काकू मिस्त्री है यहाँ पे, मतलब सब लोग हमारे मोहल्ले में इन्हीं से करवाते हैं, हमने भी पहले भी जो भी काम करवाया था इन्हीं से करवाया, अपने घर में जो भी दरवाजे वगैरह लगे हुए हैं इन्होंने ही लगाए हैं। तो इन्होंने, मैंने इनको पुराना दरवाज़ा था वो दिखाया कि ये वाला दरवाज़ा है, वहाँ से भी उठा के लाना मुझे, तो पैसे मैं दे आई थी। तो मैंने कहा भाई ये वाला दरवाज़ा है, अब इसको कैसे रिपेयर करोगे कैसे, तो उसने बता दिया ये ऐसे ऐसे करके रिपेयर हो जाएगा, उसके बाद पेंट हो जाएगा, पता ही नहीं लगना कि पुराना था। मैंने कहा ठीक है चलो, मैंने कहा जैसे आपको सही लगता आप कर दो, एक बार ही टेम्परेली मेरा भी सार दो, ज़्यादा 1-1.5 साल के बाद मैं बिल्कुल 5-5, 6-6 हज़ार वाले जो सिंगल सिंगल दरवाजे होते हैं ना वो लगवा लूँगी, 5-5, 6-6, 7-7 हज़ार वाले जो बढ़िया दरवाजे होते हैं वो लगवाऊँगी, देखना मैं टॉर बना देनी है। पर अभी जब तक लोन नहीं पूरा होता तब तक तो मुझे ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। मैं भी कहूँ कि मैं हमें ये करवा लूँगी, मैं वो करवा लूँगी, मैं नहीं करवा सकती भाई, मेरा
बजट है मेरी औकात, और मेरा बजट बहुत कम है, मैं बाहर है मेरी औकात से ये चीज़ें अभी तक तो फिलहाल, क्योंकि जब तक घर, देखो घर अपना नहीं अपने नाम होएगा तो घर में इतना कुछ करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार ये घर के सारे पैसे दिए जाए उसके बाद तो मैं बस सारा घर को रेनोवेट करवाने में ही हूँ, है ना। और अभी अगर मेरे फ्लैट पे बड़ा लोन हो जाता ना तो मैं फ्लैट पे ही घर बनाती अपने पसंद से। तो मेरी कोशिश हर तरह चल रही है, जब तक अभी तक तो मैं खुद कन्फ्यूजन में हूँ कि क्या करूँ क्या करूँ, मैं खुद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रखी हूँ, मुझे समझ में नहीं आता मैं एक वीडियो में क्या बोल रही हूँ दूसरी में क्या बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न चल रही है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को मैं अब एंड करती हूँ, इतना ही मेरा ब्लॉग है जो बन पाया है। यहाँ पे देखिए प्रियांश नहा धो के खाना खा रहा है, खाना खा रहा प्रियांश या श्री शाम नहीं बोलेगा खाना खा रहे इसलिए। तो चलिए वीडियो को करती हूँ एंड, प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अभी आज शाम को आएंगे भैया दरवाज़ा रिपेयर करने के लिए, तो वो मैं प्रॉपर आपको दिखाऊंगी कि कैसे एक पुराने दरवाजे को हम न्यू दरवाजे में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है। मेरे जितनी भी वीडियो मैं डाल पा रही हूँ प्लीज़ उसको देखिएगा, वॉच कीजिएगा। आप मुझे बहुत सारे सजेशन देते हो कि किचन की जो शेल्फ है उस पर पर्दा लगा दो, वो बनवाना है, बनवाऊँगी सारी, अभी सामान ही नहीं रखा जा रहा सेट हो रहा, तो करवाऊँगी सब कुछ धीरे धीरे करवाऊँगी। सैलरी भी नहीं आई है पता है इस मंथ अभी तक, तो वो पर्दा लगवाना है, बनवाना पड़ेगा वो, पहले दो तीन दिन तो उसको बनाने में दे के आऊँगी तो बना के देंगे, कपड़ा वगैरह दे के आऊँगी, नाप के दे के आऊँगी उनको सारा, है ना, तब जाके वो बना के देंगे। तो उनको मैं दिखा आई हूँ, मेरी चाची है मैं उनको दिखा आई हूँ, मेरी चाची इस तरीके से पर्दा बनाना है, कहते कोई नहीं बना देंगे, तो उनसे मैं बनवाऊँगी। और उसके बाद बोला था गैस वाला कोई आता है गली में उससे पाइप दूसरी साइड लगवा लो, तो वो भी जब आएगा भैया कोई गैस ठीक करने वाला मैं ध्यान रखूँगी तो मैं उससे करवाऊँगी, ठीक है, वो दूसरी साइड पाइप। और माइक्रोवेव और फ्रिज है वो आज ही मैं, अब बस खाना खा के मैं जा रही हूँ, मैं नहाऊँगी बाद में, पहले मैं काम निबेड़ूँगी वहाँ पर जाके। सारा फर्नीचर आज मैंने सेट करना है, जो अभी सोफे गए हैं वो भी मुझे दोबारा से सेट करने हैं, एक बाहर करना है एक अंदर रखना है, तो वो सारा आज ये काम मैंने निपटाना है। नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ मैं शेयर करूँगी, एक बार मैं ये वाला व्लॉग डाल लूँ क्योंकि अभी 10:15 हो गए हैं, तो फटाफट से व्लॉग मैं अपलोड कर देती हूँ, ठीक है गाइस। तो चलिए वीडियो करती हूँ एंड, जय श्री श्याम। लाइक करना ना भूले और कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा 5-5 कमेंट करना, ठीक है। सो बाय बाय, लव यू ऑल।